जिला क्रीड़ा संकुल में बांधकाम कामगारों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत बांधकाम कामगार कल्याण मंडल की 28 विविध कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। चंद्रपुर के जिला क्रीड़ा संकुल मैदान पर जिले के बांधकाम कामगारों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मान कष्टाचा आनंद उद्याचा, इस मुहिम के अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व अन्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की 28 विविध कल्याणकारी योजना बांधकाम कामगारों तक पहुंचाने के उद्देश्य इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में बांधकाम कामगारों को विविध योजना के अंतर्गत साहित्य, धनादेश तथा जीवन आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय मंच पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, पालक मंत्री तथा राज्य के वित्त वन नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कामगार उद्योजक व कौशल विकास मंत्री संभाजीराव निलंगेकर, मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, विधायक नाना शामकुले, विधायक संजय धोटे, कामगार आयुक्त राजीव जाधव, जिला परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगले, महापौर अंजलि घोटेकर, मंडल के सचिव श्री रंगम, जिलाधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी आदि मान्यवर मौजूद थे। इस दौरान पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने हेलो कामगार ऐप संबंधी जानकारी दी। हेलो कामगार अपन जगह सुरू करू ज्यादा कामगारांचे प्रश्न नियमाच्या अधीन राहून प्रशासनाच्या मदतीने सहकार्याने सोडवण्याचा एक संकल्प आम्ही या जगह केला आहे। या जगह मोठ्या संख्येने कामगार आहेत। माननीय कामगार मंत्री संभाजीराव निलंगेकरनी आज 5,000 पेक्षा जास्त कामगारांना या कामगार मंत्रालयातून फायदा देत अनेक निर्णय आज घेत गए। त्यापैकी कामगार मंत्रालयाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगार नोंदीत असेल तर त्याला 2 लाख रुपये घर बांधायला आणि राज्य आणि केंद्राचे 2.5 लाख असे 4.5 लाख रुपये बांधकाम कामगाराला देत एक मोठी योजना आम्ही चंद्रपूरमध्ये करण्याचा संकल्प केला। यासोबतच कामगार कल्याण केंद्र हे आता जुनं झालं, जीर्ण झालं, त्यालाही कामगार मंत्री मोदींनी 7.25 करोड रुपये देऊन त्याचं नूतनीकरण करत कामगारांना हक्काचं व्यासपीठ उभं करण्याचा प्रयत्नही या निमित्ताने करण्याचा माननीय मंत्री मोदय व अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश यादव यांनी व त्यांच्या टीमनी केला आहे। मी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वतीने त्यांना मनापासून धन्यवाद। साथ ही अन्य मान्यवरों ने भी अपने मनोगत व्यक्त किए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी।